दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज सिरसा में युवा कांग्रेस ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के बाजार में अपनी मोटर बाइक को पैदल खींचकर रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन में एक बाइक को रेहड़ी पर भी रखा गया था। विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रोजाना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। आज प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, सिरसा यूथ कांग्रेस की तरफ से, और हमारी मांग यही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं, निम्न स्तर पर हैं, पर आज हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल तो लगभग 100 रुपये के करीब होने को हो रहा है और डीजल लगभग 80 रुपये के करीब हो रहा है, और ये सब भाजपा की देन है। और भाजपा सिर्फ एक बड़े पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए देश को मंदी और महंगाई की उसमें आग में झोंकने का काम कर रही है। और ये हमारी मांग यही है कि पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएँ और इन पे इनको GST के अंडर लाया जाए, जो कांग्रेस की सदा से मांग थी, भाई इनको GST के अंडर लाया जाए तो जिससे तेल की कीमतों में नियंत्रण रहे। कांग्रेस की सरकार में सब लोग जानते हैं कि बैरल प्रति डॉलर 140 तक पहुंच गया था, पर कांग्रेस की सरकार में कभी 60-65 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं गया, और आज आलम यह है कि 60-70 रुपये बैरल प्रति डॉलर चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पर अभी तो उसके बाद भी आज 100 रुपये के करीब पेट्रोल हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसी को मार्फत हमने आज हमारे मोटरसाइकिलों को घसीट कर इसका विरोध प्रदर्शन किया।